कोटा यूनिवर्सिटी में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली, जहां पर आक्रोशित छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस की ओर से लाठियां भांजी गई और छात्रों की भीड़ को तितर बितर किया गया। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और NSUI के जिला महामंत्री भास्कर सिंह नागर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट सोमवार को यूनिवर्सिटी में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करने गए थे। छात्रों ने प्रदर्शन करने के दौरान अधिकारियों से मिलने की जिद पकड़ ली, जिनको पुलिस ने गेट पर ही रोक लिया। हालांकि इस दौरान भास्कर सिंह नागर भी पीछे के दरवाजे से यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से मिलने पहुंच गए। साथ ही आगे रोके गए छात्र भी आक्रोशित हो गए। उन्होंने भी VC सचिवालय के दरवाजे का कांच तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए इन सभी छात्रों को वहां से खदेड़ दिया और जमकर लाठियां भांजकर छात्रों को तितर बितर कर दिया। में प्रदर्शन किया था, उसके अंदर कई छात्र को यहाँ पे विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी वहाँ नहीं पहुँची है, तो उसके तहत कुछ छात्रों को यहाँ पे पकड़ा गया। साथ में मैं भी इसका अपने आप को दोषी मानता हूँ कि छात्रों ने आक्रोश में आकर विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया। उसके तहत मैं सभी छात्रों से आगे ये निवेदन करूँगा कि ऐसी कोई काम न करें जिसकी वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचे, और जो भी जायज मांग हो मांग रखने के लिए हम लीगल प्रोसीज के तहत कार्रवाई करें, जिससे छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और प्रशासन की सरकारी संपत्ति का भी नुकसान नहीं होगा। और अपनी मांग रखना लोकतंत्र में जिम्मेदारी भी और प्राथमिकता भी। छात्र अपनी आवाज़ उठाएंगे और आगे भी उठाते रहेंगे, क्योंकि उनका अधिकार है, उनकी मांग जो है वो वाजिब मांग है, उनको रखने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे। लेकिन विरोध में छात्र आक्रोश में रहे, उसकी वजह से या गलती से उनसे विश्वविद्यालय का शीशा टूट गया, उसकी मैं संपूर्ण जिम्मेदारी में लेता हूं और उसकी रिपेयरिंग में कराऊंगा। और आगे से छात्र ऐसा कोई उग्र आंदोलन नहीं करेंगे जिसमें सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे और प्रशासन को दुविधा हो। जय हिंद, जय भारत। भास्कर सिंह नागर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, NSUI जिला। आपके अधिकारियों से बात हो गई है, शिक्षा अधिकारी से जी, आपने ज्ञापन दे दिया है, क्या आपका समस्या का समाधान सर? हमारी समस्या का समाधान सर, हमारी जो 8 मांगें थी, सर ने कहा है कि एक दिन में एक पेपर लिया जाएगा और गेप का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा तृतीय वर्ष की गाइडलाइन अभी जारी कर दी जाएगी, जिससे जो गांव से आए छात्रों ने 20 से 25 हज़ार फीस कोचिंग कॉलेज की जमा करा दी, वो उसका नुकसान अब उनको नहीं होगा और आगे की परीक्षाओं का भी उनका जो है वो और अनिवार्य पेपर जो है उनको नहीं करवाया जाएगा। इसके अलावा जो इनकी ये गेप की मांग थी, गेप की भी मान ली गई है और तृतीय वर्ष की पूरी संपूर्ण गाइडलाइन अभी जारी हो जाएगी, ताकि छात्रों को ये दुविधा नहीं रहेगी कि तृतीय वर्ष पढ़े न पढ़े, क्योंकि छात्र बहुत बड़ी दुविधा में थे कि उनको फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया, सेकंड ईयर में प्रोविजनल प्रमोट कर दिया गया और उसके बाद 2 साल से छात्र कोई एग्जाम नहीं दे रहा है और विश्वविद्यालय के एग्जाम पहली बार दे रहा है। तो अब छात्रों का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और छात्र द्वितीय वर्ष की परीक्षा के बाद तृतीय वर्ष में बैठ सकते हैं और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं दे पाएंगे, उनका वर्ष का बचाव हो पाएगा। वहीं इस मामले के बाद भास्कर सिंह नागर ने खेद जताते हुए कहा कि आक्रोशित छात्रों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने खुद को भी दोषी ठहराते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, वे अपने पैसे से ही उसे दुरुस्त करवाएंगे। पंजाब KSU TV के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।